मैं जा रही हूँ बिरला प्लेनेटोरियम में, तो चलो देखते हैं मून और जुपिटर पे हमारा वेट कितना होने वाला है, हम अर्थ पे मोटे हैं कि वहाँ पे मोटे होने वाले हैं। ओके यहाँ पे है रोल्स रोल्स का इंजन, प्रोनाउंस भी करने नहीं आ रहा, अच्छा रहता। पहले के टाइम में पानी के मोशन से जो आता था, तो तारामंडल सो के लिए हम इस गुब्बारे के अंदर जाना पड़ता है। तुम फटाफट करके किसी को बस सामने उधर दौड़ा गया ना, शीशा में किसी को ना हमने की करबो एक पिंक कलर। तो म्यूजिक बज रहा है 1 2 3 चलो हम आप लोगों को फूल फुलैया का दर्शन कराते हैं, अब घूम जाएंगे ना तो खुशते। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल द बंजारन। तो मैं हूँ आपकी होस्ट शिखा। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं जा रही हूँ बिरला प्लेनेटोरियम में, तो चलो आपको दिखाती हूँ कि तारामंडल कैसा है। उसको हिंदी में तारामंडल बोलते हैं, जो कि अलीपुर में है। बाकी एड्रेस वहाँ पे जाके बताऊँगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तब तक के लिए बाय। तो कोई भी शुभ काम स्टार्ट करने से पहले गन्ने का जूस मेरे लिए तो मस्ट है यार। तो फिलहाल हम आए हैं वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस में। तो देखो यहाँ पे पूरी हमारी गैलेक्सी को बनाया गया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हम इसको डिटेल में आपको दिखाते हैं। चलो चलो अब दूसरे गैलरी में चलते हैं जो कि फिजिक्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पे है मिस्टर न्यूटन जो कि एप्पल गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो देखते हैं मून और जुपिटर पे हमारा वेट कितना होने वाला है, हम अर्थ पे मोटे हैं कि वहाँ पे मोटे होने वाले हैं। चलो अब देखते हैं कि हम सच में मोटे हैं कि हम गलत प्लेनेट पे हैं। तो ये जो है यहाँ से हम लोग अपना जो भी वेट है वो देख के एंटर करेंगे, तो हमारा वेट मून और जुपिटर पे कितना होगा ये बताएगा। बट ये ना काम नहीं कर रहा था क्योंकि लुक बहुत प्रेस कर करके ना थोड़ा बहुत ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाला चीज़ है तो ख़राब होना लाजमी ही है। तो चलो कब तक आएगा देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम मून पे पतले हैं ना कि अर्थ पे। तो चलो अब मून पे चलते हैं। तो यहाँ पे समझाया गया है लॉ ऑफ मोशन, साथ ही में मिस्टर न्यूटन एप्पल के इंतज़ार में, और एक क्या है इसकी वेलोसिटी जो हमको समझ नहीं आ रहा है। तो चलो अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोजेनेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे एक मिरर दिया है जहाँ से आप लोग समझ सकते हो पोलराइजेशन। तो चलो दिखाते हैं कैसे होगा। जब इसमें ध्यान से देखते हैं ना तो देखो फिलहाल का कलर मतलब कोई कलर नहीं है, सिर्फ ब्लेंड है। बट जब इसे देखते हैं तो इसमें कुछ पैटर्न्स है वो अच्छे से निखर के आता है। और यहाँ पे कुछ और मशीन्स जो कि आपको साइंस समझा सकते हैं, तो बच्चों को यहाँ पे ज़रूर लेके आना, 100% रिकमेंडेड। ओके, हम लोग बच्चे थे तो नहीं आ पाए। साइंस क्लास 10 तक भी होते ना तो इसको मतलब 12 तक भी तो इसको समझ पाते, बट अभी साहब भूल ही चुके हैं। तो कोई बात नहीं, देख के एंजॉय कर लेते हैं। आप लोग क्विज भी खेल सकते हो। ऐसा माउस मैंने पहली बार देखा है, उनको मज़ा आ रहा है इसमें, बट आई थिंक काम नहीं कर रहा। तो कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट। चलो अब चलते हैं क्वांटम मैकेनिज्म को समझने के लिए जो कि हमारे दिमाग को बाहर है। चलो अब आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाते हैं क्या क्या है। यहाँ पे है न्यूक्लियर स्टेशन, पावर स्टेशन। तो देखो पावर न्यूक्लियर से कैसे बनाया जाता है। ये पूरा मशीनरी को स्टेबलाइज करके दिखाए, सब छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, प्रेस करोगे तो ये डिस्टेंस बता देने वाला है। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, गलत टाइम पे है।
इस मशीन से सैटेलाइट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि मेरा करंट लोकेशन कहाँ पे है। तो चलो इसमें देखते हैं, और मेरे खड़े होने का स्टाइल को इग्नोर करो यार। कोलकाता इंडिया, अर्थ पे है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी द यूनिवर्स, डेट 31 मार्च 2022। तो देख लो फिलहाल हम कहाँ पे हैं, पूरा जगह, मेरी आंखें बहुत खराब आ रही है, कोई बात नहीं, तो चलो यहाँ से अब चलते हैं। चलो दूसरी जगह, चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। चलो ये वाला रूम डेडिकेटेड है इंजन्स को, डिफरेंट काइंड ऑफ इंजन आप लोग देख ही सकते हो कि ट्रेन का इंजन, स्टीम इंजन, बस, रोल्स रॉयल्स, बुलेट ट्रेन, एरोप्लेन, फलाना दिमकाना, हर चीज इंजन है यहाँ पे। ये एरिया डेडिकेटेड है इंजन, कार इंजन, और यहाँ पे है कैसे काम करता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंजन है, मॉडल नंबर भी दिया हुआ है। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग। तो चलो यहाँ पे गाड़ी चला के देखा जाए। बड़े से इंजन को रिपेयर करने का काम करा जा रहा है जो कि यहाँ है, बहुत मज़ेदार है। तो चलो अब हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट एरिया में दिखाते हैं क्या क्या इंजीनियरिंग एंड इट्स कंपोनेंट। जो कोई नॉलेजेबल है हमें बता देना कमेंट में, ओके। रोल्स का इंजन, प्रोनाउंस भी करने नहीं आ रहा, छोड़ रहा था किर्लोस्कर डीजल इंजन। पहले के टाइम में पानी के मोशन से जो आटा पीसा जाता था तो वही है। तो चक्की देखो, दिखाते हैं कैसे चलता है। वेव किया गया, ऊपर से पानी आया, और देखो यहाँ पे चक्की चलने लगा। ऊपर से गेहूँ डालोगे और आटा पीसने लगेगा। पावर के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले है यहाँ पे स्टीम इंजन, सी ऐसे वर्क करता था स्टीम इंजन। यहाँ पे अगेंस्ट बहुत सारे क्विज,
थर्मल पावर स्टेशन, यार पूरा मॉडल देखो कितना मैसिव है। ऐसे तो छोटा सा है तो इतना समझ नहीं आ रहा है। स्टीम जनरेटर, आई थिंक पहले का जो स्टीम इंजन हुआ करते थे ना, देखो उसका थोड़ा बहुत मॉडल दिखाया जा रहा है, थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है मेरे दिमाग को। लोको टाइप बॉयलर, हम लोग रेल म्यूजियम में बहुत सारे टाइप का बॉयलर देखे थे ना, उसका मैकेनिज्म यहाँ पे है देखो छोटे में। टाइप ऑफ इंजन बेल, देखो इसके बाद अभी हम आपको दिखा सबको चला चला के देखेंगे कि इसका मतलब क्या यूज़ है। फिर देखो कितने बड़े बड़े स्टीम इंजन है। लो अब मेरे समझने की बारी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद दूसरे जगह में, ओके कहीं जाना नहीं है। चलो अब ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं ऊपर में क्या क्या है। नीचे तो बहुत मजा आया है यार, तो चलो दिखाते हैं ऊपर में क्या क्या रहा, कुछ नॉलेज कहाँ कहाँ आप लोग जा सकते हो। कैंटीन भी है यहाँ, तो एक शो मैंने मिस कर चुका है, तो अब जा रहे हैं तारामंडल शो देखने, तो चलो वहाँ जाके देखते हैं उसमें क्या क्या दिखाएगा। तो तारामंडल शो के लिए हमें इस गुब्बारे के अंदर जाना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। ओके तो चलो अब देखते हैं मैजिक शो। ये है लीकर टी। लीकर टी आवर किसको पसंद है? तुम्हें खाओ लीकर टी, तुमको पसंद है लीकर टी? तुमको पसंद है? अच्छा बेश, तुम्हें खाओ क्या तुम्हें पसंद। चलो अब लास्ट शो देखते हैं कोल माइन शो, और यहाँ पे बड़ा मजा आया, बट बहुत हम ठंडे हो चुके हैं। तो कोल माइन शो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं जिससे कोल माइनिंग होता है। सो यहाँ पे सो मच थिंग। तो चलो अब बाहर चलते हैं। मैजिक टैप, और देखो पानी गिर रहा है, बट इसका पाइपलाइन तो दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द मैग्नेट। यार सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते पता नहीं क्यों इतना था। यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, तो चलो अब आंधी तूफान का मजा लेते हैं। 1 2 3 मैजिक दिखाती हूँ। एक बॉल है, इसको मैं रख रही हूँ, और देखो बॉल उड़ता कैसे है। मेरे घर वाले तो एक ही मुझसे परेशान हो गए हैं, अगर इतना सारा घर में लेके चली गई तो पक्का मार ही डालेंगे सबको। तो ऊपर डेडिकेटेड रूम है चिल्ड्रंस के लिए, तो चलो देखते हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि हम भी एक चिल्ड्रन हैं, छोटे से बच्चे। चलो हम आप लोगों को भूल भुलैया का दर्शन करवाते हैं। अब घूम जाएंगे ना तो खोजते रहना मुझे आके प्लीज, और कहीं सर ना टकरा जाए। ये हम तो बड़ा माहिर है इस भूलने का डेड एंड में। बाहर आ गए, तो फिलहाल हम लोग हैं स्पेस स्टेशन में। देखो कितना सारा, ये पूरा स्पेस स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस लगे हैं। यहाँ पे 3D शो होता है।
तो चलो आपको दिखाते हैं किसी से बात करके। लेट्स कॉल एलियन। ओके हेलो पीके, कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाना। देखो पहले जमाने की टीवी, अभी तो ऐसा है, पहले ऐसा हुआ करता था। और चलो कुछ कुछ चीज़ और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे है मौसम विभाग का पूरा एरिया, और यहाँ पे आप लोग गेम खेल सकते हो कुछ। तो इस जगह को घूमना एकदम वर्थ इट था, बड़ा मज़ा आ गया यार सच में। बच्चों के साथ ज़रूर आना यहाँ पे, हम लोग बच्चे थे तो कोई लेके ही नहीं आया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नए जगह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।